हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रेडी फाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और आज मेरे साथ है यामाहा R15 V3। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा बाइक जो अपने लॉन्च डेट से ही बहुत ज़्यादा फेमस है, चाहे उसका वर्जन 1 हो या फिर वर्जन 2 हो, उतनी ही फेमस वर्जन 3 भी है जो भी करंटली मार्केट में चल रही है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, अगर आप कोलकाता में हैं तो मैं आप लोगों को एक अप्रॉक्स एक शोरूम प्राइस बताना चाहूँगा, जो कि शुरू होती है 1.48 लाख से और अराउंड 150,000 तक इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो जाती है। वेरियंट अलग अलग है, क्योंकि ये आज आप लोग जो वेरियंट देख रहे हैं ये थंडर ग्रे, इसकी और एक वेरियंट आती है वो है रेसिंग ब्लू, और एक वेरिएंट आती है जो कि डार्क नाइट। तो वेरिएंट के हिसाब से इसमें प्राइस चेंज होती है, दो इसके स्पेसिफिकेशंस में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कलर इसकी वेरिएंट में चेंजेस है और उस हिसाब से इसकी जो अमाउंट है एक शोरूम प्राइस उसमें भी चेंजेस है। और फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो ये अराउंड 130 से 140 किलोमीटर तक की आपको टॉप स्पीड दे सकती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि इससे ज्यादा भी आप लोगों को टॉप स्पीड मिल सकता है, लेकिन आप पकड़ के चल सकते हैं कि अराउंड 130 से 140 तक की आप लोगों को इसमें टॉप स्पीड मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इसका पूरा डिटेल में वॉक अराउंड दूंगा, पूरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में इसकी बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो राइड परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और एंड में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो क्यों खरीदेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए, और फ्रेंड्स शेयर बिल्कुल कीजिएगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन टायर से। अगर मैं टायर की बात करूं तो MRF नाइलो ग्रिप ज़ैपर के टायर दी जा रही है, और अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है 100x80 सेक्शन के टायर हैं, और अगर मैं ये खूबसूरत से अगर अलॉय व्हील की बात करूं तो वो है 17 इंचेस का। और फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि इसमें ये जो स्टिकरिंग की जा रही है, देखिए रेड और वाइट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हो रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो डुअल चैनल ABS दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा बाइक है जिसमें सब कुछ बेस्ट इन क्लास लगी हुई है ना। 150cc का जो रेंज है, मेरे ख्याल से मार्केट में आपको इससे बेटर 150cc की रेंज में कोई बाइक नहीं मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया डुअल चैनल ABS है, तो यहाँ पर आप ABS की रिंग देख पा रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो आप डिस्क देख रहे हैं खूबसूरत सी चमकती हुई डिस्क, वो 282mm की है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बाइपर की कैलिपर लगी हुई है। और ठीक, अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊँ तो आप लोग यहाँ पर जो सस्पेंशन देख पा रहे हैं फ्रंट सस्पेंशन, वो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन लगी हुई है। ये इंडियन वर्जन में आपको टेलीस्कोपिक फोक दिखती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल वर्जन इसका देखेंगे तो उसमें आपसे डाउन फोक्स लगाई गई है। फ्रेंड्स, अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यामाहा R15 V3 में जो इंजन लगी हुई है वो है 155cc लिक्विड कूल SOHC 4-valve इंजन। फ्रेंड्स, देखने वाली बात है, बाइक्स में जनरली 2-valve यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें क्योंकि बेस्ट इन क्लास है सब कुछ, इसमें 4-valve यूज़ की गई है। और अगर मैं इसकी पावर के बारे में बात करूँ तो इट प्रोड्यूसेस 18.6 PS एट 10,000 RPM, और अगर मैं इसकी टॉर्क की बात करूँ तो दैट इज 14.1 Nm एट 8,500 RPM, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट इन क्लास है 155cc में। और फ्रेंड्स, इसकी जो फेयरिंग है, देखिए ये जो लुक है बहुत ज़्यादा कूल लग रही है देखने में, और उसी के साथ साथ मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये लिक्विड कूल इंजन है, तो मैं इसका जो रेडिएटर है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को इसका रेडिएटर दिख रहा है, और चलिए अब इसका जो रियर सेक्शन है वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और रियर सेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को एग्जॉस्ट दिख रही है बहुत कूल लग रही है देखने में, मतलब इसका डिज़ाइन जो पोर्शन है ना, मतलब इसका जो डिज़ाइन क्वेश्चन है, इसकी जो सिबलिंग्स है R1 R6 उससे डिराइव की गई है। और फ्रेंड्स, रियर सेक्शन की अगर बात करें तो रियर में आप लोगों को जो टायर प्रोवाइड की जा रही है वो MRF रिप्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अगर सेक्शन के बारे में बात करें तो 140x70 सेक्शन की टायर है, और अगर मैं इसकी जो अलॉय व्हील्स के बारे में बात करूँ तो वो है 17 इंचेस की, बेस्ट इन क्लास है मेरे ख्याल से। और अगर ठीक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो टायर हगर लगी हुई है, और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अब पिलियन फुटरेस्ट लगी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइडर फुटरेस्ट है, और यहाँ पर ब्रेक पेडल दी गई है। और उसके ठीक अगर हम लोग यहाँ पर पीछे आ जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे
इंडिकेटर दो लगी हुई है, ये बल्ब इंडिकेटर है। मेरे ख्याल से अगर एलईडी लग जाता है इसमें तो शायद और बेहतर हो सकता था। ठीक है, उसके ऊपर आप टेल लैम्प देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। मतलब ये शायद अभी R15 का एक आइकॉनिक टेल लैम्प बन चुका है, कोई भी देखता है तो समझ जाते हैं कि R15 का टेल लैम्प है। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी डिज़ाइन जो क्वेश्चन है, ये शायद मेरे ख्याल से R1 से इसको डिराइव किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को उसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो भी दिखाना चाहूँगा। साड़ी गार्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर देखिए चेन ओपन है, मतलब आपको अपनी चेन की बहुत खासा ख्याल रखना होगा। मतलब अराउंड 200 से 300 या फिर 400 किलोमीटर की रेंज पर आप लोगों को उसका चेन क्लीन और ल्यूब करना होगा, नहीं तो चेन की लाइफ घट सकती है फ्रेंड्स। ठीक, अगर मैं उसके ऊपर यहाँ पर आ जाऊँ तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जो एल्यूमिनियम स्विंगम दी गई है ये बेस्ट इन क्लास है यहाँ पर। और ठीक, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। और अगर मैं ऊपर आ जाऊँ, यहाँ पर ये जो टैंक आपको मिल रहा है 11 लीटर्स का टैंक है। माइलेज अराउंड आपको 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। 50 किलोमीटर अचीव कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको 40 से 45 किलोमीटर की माइलेज इसमें मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर सीट की बात करूँ, आप लोग देख पा रहे हैं स्टेप अप सीट है, स्प्लिट सीट आप इसको कह सकते हैं। अब बैठने के लिए अगर मैं राइडर पोजीशन के बारे में बात करूँ तो जब हम लोग बैठते हैं इसमें तो काफ़ी कमिटेड पोजीशन है इसकी। मतलब अगर आप इसको लॉन्ग राइड पे ले जाना चाहते हैं तो शायद आपकी बैक में पेन हो सकती है। और अगर इसकी पिलियन पोजीशन के बारे में मैं बात करूँ तो पिलियन बैठने में तो काफ़ी कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन सीट काफ़ी नैरो है तो शायद ज़्यादा देर तक बैठे रहने में पिलियन को भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जहाँ तक इसकी सीट हाइट की बात है, सीट हाइट है 815 mm, जो कि थोड़ी ऊँची है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5.5 या 5.6 है तो मेरे ख्याल से आप इस बाइक को आराम से चला पाएंगे। और ठीक उसके बाद मैं जो आप लोगों से मेंशन करना चाहूँगा वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, जो कि काफ़ी अच्छी है मेरे ख्याल से एक रेस सीरीज या फिर आप कह सकते हैं एक स्पोर्ट सीरीज की गाड़ी के लिए 170 mm की जो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। और फ्रेंड्स, चलिए अब इसका जो हैंडल बार है वो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये रेस सीरीज की गाड़ी है तो इसमें आपको प्रॉपर क्लिप ऑन हैंडल बार दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हाई बीम और लो बीम का है। मैं आप गाड़ी पहले ऑन करना चाहूँगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए हाई बीम और लो बीम के साथ इंटीग्रेटेड पास लाइट दी गई है। मतलब आपको अपना हाथ यहाँ शिफ्ट नहीं करना होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए टर्न सिग्नल्स के लिए यहाँ पर स्विच गियर दी गई है, और उसके ठीक नीचे हॉर्न का स्विच दिया गया। एक बार हॉर्न देख लेंगे, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी लाउड है। मतलब यहाँ पर यामा इसे डबल हॉर्न कहती है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड है। और उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर राइट का जो हैंडल बार दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा इंजन किल स्विच दिया गया, उसके ठीक नीचे जैसे हर बाइक में आपको दिखता है यहाँ पर आपको मिलेगा इंजन ऑन करने का स्विच। और फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहूँगा वो है इसका मीटर कंसोल। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मीटर कंसोल आपको इसी बाइक में मिलेगी इस सेगमेंट में। आप लोगों को स्विच ऑन करते हुए दिखाना चाहूँगा, देखिए हाई बड़ी लिख के आता है सबसे पहले, पूरा स्वाइप मारती है। यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिख जाएगा, यहाँ पर ओडोमीटर दिख जाएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर दिख जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपको फ्यूल गेज दिख जाएगा। और इस स्विच का यूज़ करके आप इसके जो मोड्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं कि कितना एवरेज दे रही है, कितने किलोमीटर पर आवर पे एवरेज पे गई है। और आप जो ट्रिप है उसको भी बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए ट्रिप वन और ट्रिप टू। यहाँ पर आप न्यूट्रल पोजिशन इंडिकेटर देख रहे हैं, और इसके ठीक नीचे इंजन टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर इंजन ज़्यादा टेम्परेचर पर चली गई तो यहाँ पर आपको एक लाइट चलनी शुरू हो जाएगी, और इंजन चेक लाइट भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके ठीक अगर राइट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ABS की बटन दी गई है। और फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू लुक ऑन टू द टैंक। देखिए बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत से टैंक दी गई, ये जो आपका डिज़ाइन दिया गया है ना, मतलब जब राइडर इस पर बैठता है तो उसका जो पाव है, जो थाइज है, पूरी इसमें टकिंग हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, क्योंकि पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा कमिटेड है तो आपको उसी तरीके से अपना पाव भी रखना होता है। और उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर बिल्कुल सही एक देखिए डिज़ाइन दिया गया है, ताकि राइडर ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पर मिल सके। और उसके बाद मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहूँगा वो है इसका वाइज़र। वाइज़र इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मेरे ख्याल से। इसके जो वाइज़र यहाँ पर लगी हुई है अपना काम बहुत खूबसूरती से निभा रही है। इसको अब शायद ही और कोई आफ्टर मार्केट जाना चाहेगा, क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल कमिटेड पोजीशन में बैठते हैं अपना सिर नीचे करके कमिटेड पोजीशन में, तो जो हवा है वो बिल्कुल कार के ऊपर से निकल जाती है, और इसमें आपको आफ्टर मार्केट जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो सबसे बेहतरीन चीज़ की दिखाना चाहूँगा डिज़ाइन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो इसका जो फ्रंट लुक है। देखिए मतलब ये जो पूरा वाइज़र आपको दिया जा रहा है हेडलैम्प के साथ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही आप गाड़ी में की ऑन करते हैं ये आपको DRL जलती हुई दिखेगी। और ठीक उसके बाद अगर मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ तो देखिए ये लाइट जलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद आप इसको ये देखिए लो बीम और हाई बीम ऑन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो फ्रंट लुक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आप लोगों को जिसके बारे में बताना चाहूँगा वो है इसका
लुकिंग ग्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है डिज़ाइन के हिसाब से भी और अपना पर्पस बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करती है। मतलब ये आपको एक ऐसा फील देगा, मतलब आपको जब आप राइडिंग पोजीशन में हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अपना हाथ देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो पीछे का रियर व्यू है पूरा मिरर में आप इसको देख पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। और फ्रेंड्स आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बाइक है जो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रही है। मतलब देखिए 150 सीसी की बाइक है और फेयर्ड बाइक है, मतलब जब उसको चलाते हैं ना कमिटेड पोजीशन है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं जब इस बाइक को चलाते हैं। एवरीथिंग गिवन इन दिस बाइक इज ऑफ टॉप क्लास। और अगर मैं इसकी फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो आप देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दो इसकी जो मटेरियल है थोड़ी शायद अगर बेटर होती तो और बेहतर होता, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई भी एक्सपोज एजेस नहीं आपको दिखेंगे। स्विच गियर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बेटर है और मेरे ख्याल से बेस्ट इन क्लास है। मतलब वो ऐसी बाइक इस प्राइस रेंज पे 150 की सीसी में जो रेंज है मेरे ख्याल से और कोई बाइक आपको नहीं दे सकती। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक चीज़ में बताना चाहूँगा, इसमें जो गियर दिया गया है 6-speed गियर बॉक्स है, 1 down और 5 up। और फ्रेंड्स इसमें स्लीपर क्लच का भी यूज़ किया गया है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे हैं और अगर आपको अपना गियर डाउन करना होता है, मल्टीपल अगर आप डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो रियर टायर है वो शायद स्किड कर जाए, लेकिन विद स्लीपर क्लच आपकी पीछे की जो टायर है उसकी स्किड करने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो वो फीचर भी इस बाइक में प्रोवाइड की जा रही है। और एक फीचर है जो इससे प्रोवाइड की गई है, अगर आपको उस बारे में जानना है तो आपको वीडियो जो है एंड तक देखना होगा। और फ्रेंड्स चलिए नाउ इट्स टाइम टू हियर इट्स एग्जॉस्ट नोट, मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। और फ्रेंड्स जो एग्जॉस्ट नोट है बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, मतलब इसी से पता चलता है कि जो BS6 इंजन है बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा थ्रोटियर है, बेस मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ लेकिन थ्रोटियर तो इसमें ज़रूर फील होगा आपको। दिस इज इट विद द वॉक अराउंड स्प्लेंडर, होप यू ऑल लाइक इट। और इसके ठीक बाद मैं आप लोग को राइड रिव्यू के लिए चलूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आप इस बाइक को क्यों खरीदेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यामाहा R15 V3 का राइड रिव्यू, लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स जैसे ही आप इस बाइक में स्टेपिंग करते हैं आपको वो एक बिग बाइक वाला फील आने वाला है और बिल्कुल एक स्पोर्टी फील आपको होगा। मतलब अगर आप स्पोर्टी फील चाहते थे तो आपको बिल्कुल वो स्पोर्टी फील एक्सपीरियंस होने वाला है। और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं अराउंड 50 की स्पीड पर फर्स्ट इसकी जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करना चाहूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पीछे का जो ब्रेक है वो आपकी जो स्पीड है बिल्कुल उसको स्लो डाउन कर देती है। और चलिए अब देखते हैं कि इसका जो फ्रंट ब्रेक है वो कितना काम कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल, मतलब पीछे की जो ब्रेक है आपकी स्पीड स्लो डाउन कर देती है और सामने का जो ब्रेक है उसका बाइट बहुत बढ़िया, फीडबैक तो ज़बरदस्त। मतलब पीछे की ब्रेक आपकी स्पीड स्लो करती है और सामने का जो ब्रेक है वो बिल्कुल रोक देता है, कॉम्बिनेशन बहुत बेटर है ना। और उसके बाद अगर मैं इसकी क्लच के बारे में बात करूँ तो मीडियम है और इसकी जो गियर है 6-speed गियर बॉक्स है विद स्लीपर क्लच टू एनहांस योर राइड एक्सपीरियंस। और गियर भी मीडियम ही कहूँगा मैं, सॉफ्ट नहीं है, वो टक सा आवाज़ आपको आएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि स्मूथ है। और फॉल्स गियर का जो प्रॉब्लम होता है किसी किसी बाइक में वो इसमें आपको फील नहीं होगा, जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ फॉल्स गियर में से प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर मैं कंसोल की बात करूँ, ठीक है कंसोल भी आपको बिल्कुल सही तरीके से आप एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झुकना हो रहा है कंसोल के लिए। और मिरर भी बहुत सही काम कर रही है, जो रियर व्यू है सही तरीके से मुझे दिख पा रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं राइडिंग पोजीशन की बात करूँ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक स्पोर्टी फील लेना चाहते हैं तो कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन नहीं मिलने वाला है, काफ़ी कमिटेड है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं तो बहुत देर तक इसको राइड नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से 30-35 या फिर मान के चलिए 30-40 किलोमीटर अगर आप इसको चलाते हैं लॉन्ग राइड्स पे, तो उसके बाद आपका जो बैक है या फिर जो पाम है या फिर जो शोल्डर है वो शायद दर्द करेगा। वो बात अलग है, अगर आपको इसमें आदत हो चुका है चलाने का तो आप बिल्कुल लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ। आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा है। और फिर उसी के साथ अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो सामने की जो सस्पेंशन है वो मुझे मीडियम फील हुआ, सॉफ्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा फील होगा अगर आप किसी पॉटहोल्स पे गिरते हैं तो। और पीछे की सस्पेंशन है मैं कहना चाहूँगा कि वो काफ़ी टाइट है, और देखिए टाइट होना भी चाहिए क्योंकि आप जब इस बाइक को खरीद रहे हैं तो आप इस उम्मीद के साथ खरीद रहे हैं कि आपको एक स्पोर्टी फील मिलने वाला है। और अगर आप स्पोर्टी फील लेना चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल से किसी ट्रैक्स पे या फिर टाइट कॉर्नर्स पे भी अटैक करना बिल्कुल चाहेंगे। और अगर आप
किसी भी कॉर्नर को कॉन्फिडेंटली अटैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो सस्पेंशन है उसका टाइट होना जरूरी है ताकि जो बाइक है वो वोबल ना करे, है ना। और वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, अगर मैं आपको बताऊँ तो अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर तक में आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। उसके बाद अगर शायद आप उससे ऊपर चढ़ेंगे तो वाइब्रेशन आपको फील हो सकता है। इसमें एक खूबी दी गई है, अब वह वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, मतलब 7500 के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं आरपीएम पे वो वीवीए किक इन हो जाती है और उससे आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो और बेहतर हो जाता है, आपका जो स्पीड है वो और उसमें आपको किक मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये राइड रिव्यू था पसंद आया होगा। मैंने इसमें सब कुछ बताने की कोशिश की है कि फील कैसा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं भूल रहा था कि गियर में आपको हर एक गियर में वो पावर फील होगा, आपको फील होगा कि गाड़ी उड़ने को बेताब है हर एक गियर में। जी हाँ फ्रेंड्स, उड़ने को बेताब बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा। अगर कोई व्यूअर इसको चला रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका इसमें क्या कहना है, कहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ इसके बारे में, आप बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल न्यू है, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको और क्या वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपको सुधार चाहते हैं वीडियो में तो वो भी आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ जो राइड रिव्यू है वो मैं ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको राइड रिव्यू पसंद आया होगा। और चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप ये बाइक क्यों खरीदेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो वॉक अराउंड था और राइड रिव्यू था पसंद आया होगा। और अब बारी है इसकी जो मेन एडवांटेज है वो जानने की, तो वो है फ्रेंड साइड स्टैंड कटआउट सेंसर। मान लीजिए आपकी गाड़ी ऑन है और आपकी जो साइड स्टैंड है वो लगी हुई है, तो इस हिसाब से आप जैसे ही गाड़ी को गियर में डालते हैं आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, जो कि आपको एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट से बचा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके एडवांटेज की बात हो गई, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी को आप क्यों खरीदना चाहेंगे। सबसे पहले इसका जो कंपैरिजन है, मैं कुछ इसकी कंपैरिजन दूसरे बाइक से करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मार्केट में 150cc की आपको बहुत सारी और बाइक्स मिल जाएंगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं उनके साथ इसकी कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये जितना फीचर लोडेड है शायद ही और कोई 150cc की बाइक उतनी फीचर लोडेड होगी। लेकिन हाँ, एक बाइक है वो है RS 200, जिसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत इसके करीब आता है। दो इसका जो सेगमेंट है उसके सेगमेंट से अलग है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्राइस कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये उसके काफ़ी करीब होता है, तो इसीलिए मैं इसका जो कंपैरिजन है वो आर एस 200 से करना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आर एस 200 की जो बात है वो काफ़ी हेवी वेट है, इससे अराउंड 20 किलो तक उसकी वेट ज़्यादा है। ये अराउंड 142 किलो इसकी कर्व वेट है और उसका वेट अराउंड 160 किलो है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। तो अगर आपका वेट कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन चाहिए तो आप आरएस के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइट कॉर्नर्स हिट करना चाहते हैं, अगर आपको फन टू राइड बाइक चाहिए, अगर आपको कमिटेड पोजीशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जब आप कॉर्नर्स पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कॉर्नर्स को अटैक करें, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जानते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, एक लाइक करना है, प्यार दिखाइए यार अपने भाई को, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो, और उसी के साथ साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए ख़त्म करते हैं। राइड सेफ एंड जय हिंद।